दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म फाइटर के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन को दिखाने वाले हैं और साथ ही बताएंगे इसकी शूटिंग लोकेशंस, यानी कि इस मूवी को कहां कहां शूट किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस एरियल एक्शन मूवी को किस तरह से शूट किया गया है। दोस्तों, अगर हम इस मूवी की शूटिंग लोकेशंस की बात करें, तो इसे तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और मुंबई जैसे लोकेशंस पर शूट किया गया है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी है, जिसे हॉलीवुड के कई सारे एक्शन सीन्स से कॉपी करके बनाया गया है। इस मूवी की शूटिंग 14 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें से आप यहां देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर जितने भी एयर स्ट्राइक वाले सीन है उसे असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में शूट किया गया है। दोस्तों, एरियल मूवी बनाना डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी, इसलिए वो फिल्म फाइटर को प्रोड्यूस करके खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी मार्फलिक्स की शुरुआत की है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को पूरी ऑथेंटिक तरीके से बनाना चाहते थे, इसलिए इस मूवी के अंदर जितने भी फाइटर प्लेन्स, एयर बेस या फिर चौपर है वो रियल है, क्योंकि इसकी ज्यादातर सीन्स को रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है। फिर इसके अलावा आपने फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन के इस सीन को देखे ही होंगे, जिसमें वो एक फाइटर प्लेन को उड़ा रहे होते हैं, और आप यहाँ इसके कुछ बिहाइंड द सीन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चूंकि ये डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की ड्रीम मूवी थी, इसलिए वो इसे बनाने में कई सालों का समय दिए है। इस मूवी को शूट करने के लिए उन्हें कई सारे स्टंटमैन कोरियोग्राफर को मदद लेनी पारी थी, जिसमें से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके शूटिंग से पहले मूवी के स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। मूवी की स्क्रिप्ट डेवलपमेंट से लेकर इसके फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन तक इसे बनाने में टोटल 3 साल से भी ज्यादा का समय लगा है। दोस्तों, किसी मूवी को बनाने से पहले ही उसकी शूटिंग की विजुलाइजेशन कर लिया जाता है कि आखिर ये मूवी कैसी होगी और इसे किस तरह से शूट किया जाना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी शूटिंग से पहले किस तरह से इसे विजुलाइज किया गया था। दोस्तों, मूवी के अंदर ऋतिक रोशन की आर्मी ट्रेनिंग वाला पूरा शेड्यूल को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर शूट किया गया, जिसमें उस सीन में कुछ रियल एयरफोर्स ऑफिसर को भी शूटिंग के लिए गया था। और आप यहां इसके शूटिंग के समय ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की शूटिंग से पहले जब इसके स्क्रिप्ट को वेरिफिकेशन के लिए एयरफोर्स टीम को दिया गया, तो उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि इस स्क्रिप्ट को इतनी बारीकी से लिखा गया है कि ये लगता है कि इसके कहानी को किसी फाइटर पायलट ने लिखा है। दोस्तों, मूवी के एक्शन सीक्वेंस को छोड़कर इसके बाकी के 2 सॉन्ग को इंडिया से बाहर शूट किया है, जिसमें इसका एक इश्क जैसा कुछ सॉन्ग के बिहाइंड द सीन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस मूवी में ऋतिक और दीपिका के साथ साथ हमें अनिल कपूर भी एक ऑफिसर के किरदार में नजर आए है। आप यहां अनिल कपूर को इस मूवी के शूटिंग के समय अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी में सिर्फ फाइटर प्लेन या लोकेशंस ही रियल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जितने भी ब्लास्ट सीन्स है वो भी रियल है। और आप यहां इसके कुछ शूटिंग क्लिप्स को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इसके एक्शन सीन की बात करें तो इस 25 मिनट के सीन को बनाने में मूवी मेकर को टोटल 7 दिन का समय लगा था, जिसके बिहाइंड द सीन को आप यहां देख सकते हैं। वैसे इस पूरे सीन को मुंबई के यशराज स्टूडियो में बनाया गया है, जिसे डिजाइनर रजत पोद्दार ने अपने टीम के साथ मिलकर बनाया था। इसमें उन्होंने एयरफोर्स बेस, क्लासरूम और ऑफिसेज बनाए थे, जो कि देखने में बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन जैसी लग रही थी।
मूवी के कुछ एक्शन सीन को टॉम क्रूज के टॉप गन मेवरिक मूवी से भी कॉपी करके बनाया गया है। चूंकि ये एक हाई एक्शन सीन थी, इसलिए इस सीन को बनाने के लिए हेवी विजुअल इफेक्ट का यूज किया गया है, जिसे हॉलीवुड के एक कंपनी DEG एनिमेशन के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस मूवी में हाई एक्शन सीन के साथ साथ रोमांस और ड्रामा भी देखने को मिलता है, जिससे ये मूवी देखने में काफी जबरदस्त लगती है। वैसे अगर आपने इस मूवी को देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसे लगी। बाकी के आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही मूवी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।